हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग हर जिले का अपना एक अलग इतिहास है और टेम्पल्स की लिस्ट में मंडी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल में सबसे ज्यादा विजिट करने वाला जो टेम्पल है टूरिस्ट और लोकल लोगों के द्वारा, उसका नाम है देव कमरुनाग जी का टेम्पल। लोकेशन नंबर दो पे आती है मंदिर की, वो है मंडी जिले के लगभग 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रोहांडा नाम के छोटे से गांव से 6 किलोमीटर के ट्रैक की दूरी पे आपको मिलेगा देव कमरुनाग जी का टेम्पल। देव कमरुनाग जी को महाभारत काल में राजा भरभरी खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम आगे इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, देव कमरुनाग जी ने क्या किया था उस समय पे, देव कमरुनाग जी ने ये बात कही थी कि जो भी टीम महाभारत के युद्ध में लूज करने लगेगी वो उस टीम के हिसाब से पार्टिसिपेट करेंगे। ये उस समय के एक फेमस योद्धा के रूप में जाने जाते थे। बात वैसे ही हुई, श्री कृष्ण जी को काफी ज्यादा इस बात की टेंशन होने लगी कि आखिरकार इस मसले को कैसे सॉल्व आउट किया जाए, क्योंकि जिस भी टीम से ये लीड करते डेफिनेटली वो टीम विन करती। कृष्ण जी ने एक नीति बनाई जिसके दौरान इन्होंने शर्त लगाई कमरुनाग से और उस शर्त को कमरुनाग जी हार गए और उस हिसाब से कमरुनाग जी को अपना सर घर से अलग करना पड़ा। लेकिन कमरुनाग जी की ख्वाहिश थी कि वो महाभारत के युद्ध को देखना चाहते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उनके सर को हिमालय के किसी एक स्थान पे रख दिया ताकि वो वहां से युद्ध देख सके। वो स्थान था कामराह नाम का एक गाँव जो कि वर्तमान में जहाँ पे देव कमरुनाग जी का टेम्पल है। उस हिसाब से कमरुनाग जी ने वहां से युद्ध देखा। युद्ध काफी दिन तक चलता रहा। युद्ध में वो जिस तरफ देखते थे वो टीम विन करने लगती, इसलिए श्री कृष्ण ने उनके सर को चेन के साथ बांध दिया और पांडवों की तरफ कर दिया, जिससे पांडव विक्ट्री हासिल करने में सक्षम हुए। उस दौरान कमरुनाग जी को प्यास लगी, तो इसलिए भीम ने अपनी हथेली से वहां पे एक झील का निर्माण किया जो कि वर्तमान में भी उस इलाके में मंदिर के साथ में। मंदिर में प्रेजेंट में लोग काफी संख्या में जाते हैं और झील में अपने आभूषण सोना गोल्ड वगैरह जो उनके पास होता है और करेंसी जो हमारी है उसको झील में डाल देते हैं। उससे वो ये मानते हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी होती है। देव कमरुनाग जी को बारिश के देवता के रूप में भी माना जाता है। कमरुनाग झील के अंदर जितना भी सोना डाला जाता है कहा जाता है कि वो देवी देवताओं का है और उसे कभी भी वहां से नहीं निकाला जाता। उसी झील में जो हमारे धन के देवता है यक्ष, वो भी वहीं पे विराजमान रहते हैं। देव कमरुनाग जी के टेम्पल में हर साल 14 और 15 जून को एक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें भारी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा जो लोग देव कमरुनाग जी के टेम्पल तक नहीं जा सकते, उसकी लोकेशन थोड़ी दूर है, तो देव कमरुनाग जी हर साल शिवरात्रि में मंडी में आते हैं और सातों के आठों दिन यहीं पे रहते हैं। आप उस समय भी उनके दर्शन कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा कल्चर एक बेहतरीन कल्चर है, हमें इसे बचा के रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। So we will meet in a new video. So thanks for watching.